नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल वालों पे डेडलॉक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, छोटे छोटे बाल होते हैं फट से वो लंबे हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों वो एक्सटेंशन करते हैं डेडलॉक का। डेडलॉक यानी बहुत सारे बालों का एक लड़ जैसे जो दिखता है बालों का बंच, उसको डेडलॉक कहते हैं। तो गाइज इसको एक्सटेंशन यानी जो छोटे बालों पे जो अटैच करते हैं 0.01 mm से, वो भी अटैच करके काफ़ी अच्छा लुक आता है जो ड्रेस बनाते हैं डेडलॉक का। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, डेडलॉक यानी ओरिजिनल बाल भी बना सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि बहुत अच्छा नहीं दिखता। मगर गाइज जो एक्सटेंशन करते हैं और जो ओरिजिनल बाल भी बनाते हैं उसमें काफ़ी सारे यानी काफ़ी अलग दिखता है। जो एक्सटेंशन होता है और जो ओरिजिनल बाल होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखता है। फ़र्क क्यों दिखता है दोस्तों? गाइज जो एक्सटेंशन होते हैं उसमें काफ़ी सारा यानी काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे कि आप मेरे बाजू में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पोस्टर दिख रहे हैं डेडलॉक के, वो एक्चुअली वो एक्सटेंशन है, वो ओरिजिनल बालों पर डेडलॉक नहीं बनाया। तो गाइज ये जो एक्सटेंशन है उसका जो डायमीटर होता है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी मोटा होता है। कम से कम दोस्तों 12 mm से लेकर तो वो कम से कम 17 mm तक वो रहता है। और जो ओरिजिनल वालों पे जो बनता है डेडलॉक्स, वो काफ़ी पतले यानी 4 mm या 6 mm ऐसे उसका जो डायमीटर होता है वो ऐसे होता है। तो गाइस जो एक्सटेंशन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, और जो ओरिजिनल वालों पे अगर बनवाते हो तो गाइस उनके जो डेट्स होते हैं वो पतले पतले होते हैं और थीन थीन होते हो। गाइस अगर एक्सटेंशन करते हो तो उसमें काही रूट कॉमिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आप रॉ मटेरियल से आप बना सकते हो। और अगर आप ओरिजिनल बालों पे अगर बनवाते हो तो उसमें दोस्तों गाइस अगर आप अगर रूट कॉमिंग करते हो कॉम की मदद से, तो आप ओरिजिनल बाल भी बना सकते हो। उसमें भी टेक्निक्स होते हैं गाइस, उसमें एक ट्विस्टिंग टेक्निक होती है जो बालों को ट्विस्ट करके बनाई जाती है, और एक कॉम टेक्निक होती है। मैं जैसे कि दोस्तों मैं तो दोनों यूज़ करता हूँ, काफ़ी ईजी होता है और थोड़ा जल्दी बन पाता है। जैसे कि पकड़ के चलो, अगर एक ड्रेस बनाने में अगर क्राउन एरिया की बात नहीं करते, अगर पूरा ड्रेस की अगर बात करते हैं, तो गाइस कम से कम ओरिजिनल बालों पे अगर बनवाते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे हमको एक ड्रेस बनाने में लग जाते हैं। तो गाइस जो एक्सटेंशन करते हैं उनमें तो काफ़ी बोलना चाहिए उनको काफ़ी हेवी लगता है, क्योंकि बाल होते हैं छोटू से, ठीक है। जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो ऐसे लगता है कि 1 किलो का 2 किलो का हमारे सर के ऊपर बाल है। मगर दोस्तों अगर आप ओरिजिनल बालों पे अगर बनवाते हो तो गाइस पहले से आप लंबे कर यानी पहले से बाल लंबे होते हैं, और उसका जो हेवीनेस होता है वो काफ़ी लाइट होता है। और कारण अगर ओरिजिनल बालों पे ही बनवाते हैं तो जो लंबे बाल होते हैं पहले से उनको आदत होती है लंबे बालों की। तो गाइस वो ओरिजिनल बालों पे अगर बनवाते हो तो उसका जो वेट होता है वो भी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज इसके हैं। तो गाइस अगर आप एक्सटेंशन करते हो तो आपको कम से कम दोस्तों 1 या 2 या 3 हफ्ते तक आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि सर दुखना, खुजली आना, ये सारी चीज़ें होती है। 2 हफ्ते तक तो भी आती है गाइस। अगर 2 हफ्ते अगर आपने इसको बना के अगर रख लिया तो गाइस जो आपको आपको पहले लगता था कि ये बहुत ज़्यादा हेवी है, ये मेरे सर को सहन नहीं हो रहा, तो गाइस ऐसी जो बातें वो सॉल्व होना चालू होती धीरे धीरे समय के साथ साथ, ये भी चीज़ें दुरुस्त हो जाती है गाइस। तो गाइस ऐसी नहीं है कि ओरिजिनल बालों पे भी बनाना नहीं चाहिए, उसमें एक्सटेंशन इंक्लूड ही करना चाहिए। अगर किसी को ओरिजिनल बालों पे ही बनवाना है और एक्सटेंशन ऐड नहीं करना है, जो लेंथ के लिए जो एक्सटेंशन बनाते हैं वो ऐड नहीं करना है, तो गाइस किसी किसी की रिक्वायर्ड होती है कि जो डेड बने ओरिजिनल बालों का वो मोटा बने। तो गाइस उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेक्शनिंग भी मोटी करनी पड़ती है। सेक्शनिंग अगर मोटी कर लेगा इस तो दिखने में काफ़ी भद्दा दिखता है, क्योंकि कम से कम क्राउन एरिया में, जो हम क्राउन एरिया इसको कहते हैं, तो उसके एक लाइन में कम से कम 4 डेट्स होनी चाहिए, तभी जाके वो अच्छा दिखेंगे। अगर आप डेट्स अगर उसका मोटा पैकेज, अगर आप यही लाइन में अगर 2-2 डेट्स करते हो क्राउन एरिया में, 2-2 डेट्स करते हो सीरीज में, तो गाइस आप इमेजिन करके देखो गाइस को ड्रेस कैसे दिखेगा। तो बॉक्स पैटर्न उतने ही लेने चाहिए जितना उसको रिक्वायर्ड है 4-8 को, जितना अच्छा दिख सके। अगर आपको लगता है कि इसका ओरिजिनल बालों पे अगर ओरिजिनल बालों का जो जाड़ापन है वो कम है, उसको अगर मोटा करना है, तो गाइस उसका बॉक्स पैटर्न बड़ा नहीं करना है, उसमें थोड़े से क्वांटिटी पे बाल लेके उसको ऐड करना है और उसमें लॉक्स लगाने हैं। तो गाइस यही होता है। तो गाइस ऐसी बात नहीं, आप ओरिजिनल बालों में भी बनवा सकते हो और एक्सटेंशन में भी करवा सकते हो। एक्सटेंशन करवाते हो तो रूट से करवा सकते हो आप, अगर आपको ओरिजिनल बाल भी बनवा सकते हो तो आप कहीं से भी आप बनवा सकते हो, यानी आधे बाल छोड़ के भी बनवा सकते हो। किसी किसी को क्या होता है ओपन बाल अच्छे लगते हैं, और किसी किसी को रूट से बाल अच्छे लगते हैं। तो कोई कोई क्या वो करते हैं रूट से भी बनाते हैं, और कोई कोई टाइप के ऐसे लोग होते हैं वो बीच में से, ज़्यादा करके लड़कियाँ बीच में से बनाती हैं, पूरे बाल उनके अच्छे रहते हैं, मगर जो एंड्स रहते हैं वहाँ पे उनके जो डेट्स हैं वो लगे हुए रहते हैं। किसी किसी को वो काफ़ी अच्छा लगता है, ये कलरिंग करे या उसमें धक्का इंक्लूड करे तो वो भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। सबकी अलग अलग राय होती है, सबका अलग अलग चॉइस होता है। तो गाइज ऐसी बात है, तो गाइज आप ओरिजिनल भी बना सकते हो और एक्सटेंशन भी बना सकते हो।
जिसका मन जो चाहे वो कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो कैसी रहा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है दोस्तों उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।